खुद को बचा रहे हैं और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है। साथियों, इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन दो तीन महीनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उसे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, नए नए तरीके खोजते हुए, देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। साथियों, इन परिस्थितियों में गांवों में जो हो रहा है उसकी मैं अलग अलग स्रोतों से निरंतर जानकारी ले रहा हूं। आज मैं आप में से भी कुछ साथियों को सुनूंगा, बातें करूंगा, कोरोना के दौरान हुए अनुभवों और आपके सुझावों के बारे में मैं जरूर जानना चाहता हूं। पूरा देश आपको सुनना चाहता है, आपके अनुभवों को जानना चाहता है, खास करके शहर के लोग जिनके लिए ये दिन जरा और कठिन लग रहे हैं। गांव वालों ने रास्ता दिखाया है कि इस कठिनाइयों में भी कैसे उमंग और उत्साह के साथ जिया जाता है। आइए हम चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे बताया गया है कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर चलना है। भाई मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर के बारामूला से जुड़े रहे हैं। ये ब्लॉक पंचायत नारवाओ के चेयरमैन है। इकबाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बारामूला और ब्लॉक नारवाल से आपको बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और आज इस अवसर पे जो हमारा पंचायत दिवस है इसे मुबारकबाद देता हूं सर। सर, हमारा यहां पे जो इस वक्त नारवा में इस बार जो हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जो आपने ऊपर से आदेश दिया है, डायरेक्शन दी है लॉकडाउन की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे 100% हो रही है। उसके लिए हमने तैयारियां पहले से कर रखी थी। जब आपने पहला एक दिन का लॉकडाउन किया था तो उस दिन हमने ब्लॉक लेवल जो हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, हमारा ICDS है और पंचायत से एक हमने एक ऑर्डर निकाल दिया BDC ऑफिस से, तो हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने तीनों डिपार्टमेंट्स को आशा वर्कर्स, ICDS वर्कर्स और पंचायत PRIs मेंबर से उनकी ट्रेनिंग दिला दी। उनको हमने जो हमारा कोरोना वायरस को रिलेटेड जो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स उनके लिए बारे में उनको इन्फॉर्म किया। उसके बाद हमने उनको घर घर अपने ब्लॉक में भेजा और मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि हमारे ब्लॉक में वो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हमारी टीम, जिसमें हमारे PRI, जिसमें हमारे मेडिकल और ICDS के वर्कर्स नहीं गए और हर एक फर्द को, हर एक इंडिविजुअल को अवेयर किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। हमारे एक ब्लॉक में आज तक सिर्फ एक पॉजिटिव केस आया, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी वहाँ पे पंचायत एस्टैब्लिश नहीं हुई है। रीजन ये था कि हमारे वहाँ पे पंचायत मेंबर्स नहीं थे और वो केस हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए। लेकिन जितने भी बाकी गांव हैं, जितने भी बाकी ब्लॉकर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से, हमने हर एक फर्द को, हर एक इंसान को ट्रेवल हिस्ट्री जिसकी थी उसको आइडेंटिफाई किया, उनको क्वारंटाइन किया, उनको होम क्वारंटाइन किया और PRI को वहां पे ड्यूटी लगा दी। 24/7 वहां पे ड्यूटी लगाई कि ताकि उनका जो होम क्वारंटाइन है वो सक्सेसफुल हो जाए। हमारे ऊपर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन कैटेगरी के लिए थी कि आपको चाहे किसी हद तक सख्ती करनी पड़े, लेकिन क्वारंटाइन जो लॉकडाउन है उसको ग्राउंड पे सक्सेसफुल करना है।
हमारे पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन उन्होंने दी थी कि आपको ये एक्चुअली इन रियल सेंस जो लॉकडाउन सक्सेसफुल कर रहे हैं वो पीआरआईएस को कर रहे हैं। तो उन्होंने रोस्टर बना के वॉलंटियर्स के साथ रोड पे रह के लॉकडाउन को सक्सेसफुल किया, दो संदेश दिए लोगों को, दो नारे दिए, रेस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल पहला नारा था। दूसरा हमारा नारा ये था कि सर स्टे होम स्टे सेफ, और जब लोग इन दो नारों पे चले, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्लॉक में 99% सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बातें बताई है, लगता है कि आप खुद या फील्ड में डटे रहते हो, खुद गांव-गांव जाते हो, उसी का नतीजा है कि आप इतनी बड़ी आसानी से चीज को समझ पाए हो, और आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, नियमों का पालन हो, बहुत बढ़िया ढंग से किया है। मुझे विश्वास है कि दो गज की दूरी इस मंत्र को आप गांव-गांव घर-घर और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है, और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का उत्सव भी त्योहार बहुत अच्छे ढंग से नागरिक मना पाएंगे, तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है। आइए जम्मू कश्मीर के बाद हम सीधे साउथ चलते हैं, कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर से हमारे साथ श्री नवीन कुमार जी जुड़ रहे हैं। देश के प्रधान सेवक आपको वारदसली ग्राम पंचायत के सेवक से नमस्कार। क्या आजकल मुझे गांव के प्रधान से भी बात करने का सौभाग्य मिलता है और दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े प्रधानों से भी बात करने का मौका मिल जाता है। थैंक यू। होम क्वारंटाइन हद्नाकु मंदि कार्यपड़े सदस्यरिंद ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ಹಮಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಹೀ ಹೈ, ಪರ್ 14 ಲೋಗೋಂಕೋ ಹಮ್ನೆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮೇ ರಖಾ ಹುವಾ ಹೈ। ಇನ್ಕೋ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆ ದ್ವಾರ ಪರ್ ಪಾನಿ ದೂಧ ಸಬ್ಜಿ ರಾಶನ್ ಆದಿ ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಘರ್ ಪೆ ಹೀ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ। ಹೌದು, ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಕರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು। ಆಶಾ ಎಎನ್ಎಂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಔರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆ ಸಾರೇ ಸದಸ್ಯ ಔರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾ ಏಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚಾ ಗಯಾ ಹೈ। ಹರ್ ಹಫ್ತೆ ಮೇ ದೋ ಬಾರ್ ಬೈಠಕ್ ಬುಲಾಕರ್ ಕರೋನಾ ಕೈಸೆ ರೋಕೆ और इसके अड़ी क्या क्या कोशिश कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा चलती है। आईसी, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन के काम अच्छे से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2301, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 1480, उज्ज्वल योजना 739, विविध पिंचण योजना 506 सेरिदंते ಒಟ್ಟು 5026 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಈ ಚಾರ್ ಯೋಜನೆ ಜೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ, ಉಜ್ವಲ್ ಯೋಜನೆ ಔರ್ ವಿವಿಧ ತರ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ತಹತ್ 5,000 ಲಾಭಾರ್ಥಿಗೂ ಲಾಭ ಹುವಾ ಹೈ। ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರ ಗಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನರು ಓಡಾದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ। यहाँ के युवकों को प्रेरित करके ग्राम पुलिस रची हुई है। पंचायत की सीमा में चेक पोस्ट लगा के इस चौकी में ये सब ग्राम पुलिस काम कर रहे हैं। इससे लोगों का अनावश्यक संचार करना रोक डाला हुआ है। इससे कोरोना का एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुँचने को नहीं दे रहे हैं। ग्राम पड़े मूलक वैयक्तिक समुदाय स्वच्छता बग्गे अरिवु मूडिसलागिदे। वैयक्तिक और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में हर जगह में अच्छे से आईसी हुई है और क्लीनिनेस भी हुई है। पंचायत व्याप्ति महाराष्ट्र 170 मंदी निराश्रित कूली कार्य ऊट वसती वैद्यकीय सौलभ्य कल। लॉकडाउन की वजह से जो महाराष्ट्र से आए हुए 170
से अधिक कार्मिक थे, उन्हें हम एक पाठशाला में रखे हुए हैं। इन सभी को भोजन, पानी और मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था की गई है और उन्हें भी कोई ना कोई काम में हम उलझाए रखे हैं। ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಲ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜಿಗೆ ಏಕ ಬಜಾರ್ ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೀ ಗಯಿ ಹೈ, ಇಸ್ಸೆ ಕಿಸಾನೋ ಕೋ ಕೋಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಸ್ ನಹೀ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ, ಉನ್ಕಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಔರ್ ಮನೋಬಲ್ ಕೋ ಬಡಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಂದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘರ್ ಘರ್ ಮೇ ಜಿನ್ ಜಿನ್ ಕೋ ಕೋಯಿ ಭೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಿ रिक्वायरमेंट है उन्हें घर पे ही हम बैंकर्स से लाके दे रहे हैं। मनरेगा नरेडियल्ली असुकुल कूली कार्मिकरिगे वैयक्तिक मत्तु जल संरक्षणा कामगारिगळन्नु प्रारंभिसि उद्योग नीडलागुत्तिदे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खात्री योजना के तहत पंचायत के श्रमिकों और किसानों को वैयक्तिक कामगारी और जल संरक्षण की कार्यकारी में हम भाग लेने का अवसर कर रहे हैं। इससे ग्राम पंचायत में भी उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है। नवीन जी, आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? 8,500 सर। यानी बड़ा गांव है। आप कितने साल से सरपंच हैं? फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम बने हैं, लेकिन आप बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं और बड़े सिस्टमेटिक कर रहे हैं, प्लानिंग से कर रहे हैं। लेकिन गाँव वाले आपकी बात मानते हैं? मानते हैं। चलिए, मेरी तरफ से आपको और आपके गांव वासियों को इतना उत्तम काम करने के लिए और सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आर्थिक प्रवृत्ति भी उतनी बढ़िया ढंग से चलाने के लिए, मैं सचमुच में आपके नेतृत्व को, आपकी इस प्रकार के विजन को और गांव की ताकत कैसी होती है इसका दर्शन कराने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आइए हम बिहार चलते हैं। बिहार के जहानाबाद जिले से ग्राम पंचायत धरणिया के प्रधान श्री अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं अजय सिंह यादव मुखिया दल पंचायत धरणई बिहार से सर, बिहार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं सर। नमस्कार जी। हाँ बताइए अजय जी। सर लॉकडाउन का सर 22 तारीख का सर बंदी हुआ, उसके बाद सर 4 दिन सर लगातार अपने स्वयं माइकिंग कर पूरा पंचायत क्षेत्र में सर प्रचार किया सर कि लॉकडाउन का पालन करना है और सामाजिक दूरी बनाना है, कम से कम 6 फीट पर के दूरी पर कहीं भी बाद आप लोगों को समझाइए 2 गज की दूरी करिए। अजय जी लोगों को समझाइए 2 गज की दूरी। हाँ, 2 व्यक्ति की दूरी सर। और सर गांव में सर ब्लीचिंग पाउडर छिटवाएं सर, घर घर जाकर सर जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, वार्ड पंच, सरपंच साहब सभी मिलकर हर घर प्रत्येक घर में एक एक सर साबुन दिए सर और सभी के हाथ धोने के लिए सिखलाएं सर, 1 घंटा आधा घंटा पर हमेशा हाथ धोइए और जागरूक रहिए। फिर सर होम कंट्रोल में सर 18 लोग के रखे सर, उसको भी पंचायत स्तर से जो सुविधाएं देना था सर वो दिए। फिर मध्य विद्यालय धरनई में सर 30 बेड का एक होम क्वारंटाइन सेंटर बनाए सर, उसमें भी खाने पीने का सुविधा, एनएम दीदी के ड्यूटी लगाए, चौकीदार का ड्यूटी लगाए सर, एक ग्राम रक्षा दल सर पंचायत पर नियुक्त हमने किए हैं सर 43 सदस्यों को, उसको भी सभी गांवों में सर गांव के शुरुआत में बांस लगाकर घेरे सर कि गाँव के व्यक्ति बाहर नहीं जाए, अति आवश्यकता कार्य हो तो वही बाहर जाए, जैसे इमरजेंसी काम के लिए दवा लाने के लिए। और सर स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल टीम हमेशा मेरा पंचायत में आते हैं हफ्ता में 2 बार सर, पंचायत सरकार भवन के पास सर, उसमें भी हम लोग सहयोग किए जनप्रतिनिधि सर, हमेशा सर 3 दिन पर मीटिंग करते हैं सर, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, न्याय पंचायत और पंचायत कर्मी सब सर, और जागरूक करते हैं सर। आपकी पंचायत से भी अनेक प्रवासी साथी दूसरे शहरों से घर लौटे होंगे, जो नहीं आ पाए वो भी आना चाहते होंगे? जी आना चाहते हैं सर, बस मैसेज हम लोग किए हैं कि जहाँ है जहाँ रहिए, लॉकडाउन पूरा खुलेगा तब आना है भाई, ना तो 14 दिन हम स्कूल में रखेंगे तो वो लोग कहता है कि नहीं मुखिया जी हम रहेंगे, अभी बाहर खुलेगा तब आएंगे, 14 दिन नहीं रहेंगे। लेकिन आपकी बात मानते हैं सब लोग? हाँ मानते हैं सर।
चलिए आप सब सुरक्षित रहें और जो नए शहरों में हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनके मन शांत रहे। आप जरूर उनसे फोन पे बातें करते रहिए ताकि शहर में थोड़ा उनको तकलीफ जरा मन को ज्यादा होती है, घर याद आता है, माँ बाप याद आते हैं, बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन ऐसे समय गांव से लोग अगर उनसे बात कर लेते हैं तो उनका मन थोड़ा हल्का हो जाता है और आपको काम कर रहे हैं इसलिए मैं बधाई देता हूँ। आइए हम उत्तर प्रदेश बस्ती चलते हैं। बस्ती ग्राम पंचायत नकती देवी की प्रधान बहन वर्षा सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। वर्षा जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से आपको नमस्ते करती हूँ और पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बस्ती में लॉकडाउन का पालन ठीक से हो रहा है? मेरे गांव में पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो रहा है और मैंने आशा बहन, आंगनबाड़ी बहन और एनएम बहन के माध्यम से लोगों को घर घर जाके जागरूक करवा रही हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें। आप घर में रहने से प्रधान है? सर मैं फर्स्ट टाइम प्रधान ही हूँ, इसके पहले भी मैं प्रधान थी, बीच में सीट बैकवर्ड होने के नाते कोई दूसरा था। जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो बनाई है, पीएम गरीब कल्याण योजना वगैरह, पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब पहुंच रही है, तो वहाँ कैसे कर रहे हैं आप लोग? सर हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 25 लाभार्थी हैं, किसान सम्मान निधि में 155 लाभार्थी हैं और जो रजिस्ट्रेशन जिन श्रमिकों की हुई है उनके अंतर्गत 10 लोग हैं और जनधन योजना के तहत 50 लोग हैं जिनको लाभ दिया गया है। लोगों का अनुभव कैसा है, संतोष किसान हो सबको? सर बहुत ही संतुष्ट है लोग, आपके लॉकडाउन का निर्देशों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये उन लोगों का सोच है कि हम घर में ही सुरक्षित हैं क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अभी तक सटीक इलाज नहीं है, बस इसकी यही इलाज है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी पे रहें, घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए कोरोना वायरस बड़ा विचित्र वायरस है लेकिन उसकी एक विशेषता भी है, वो अपने आप किसी के घर नहीं जाता है। नहीं सर, अपने आप कहीं नहीं जाता है। अगर आप उसको बुलाने जाएंगे, अगर आप उसको लेने जाएंगे तो फिर वो आपके साथ घर में घुस जाएगा, फिर वो घर में किसी को छोड़ता नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। 2 गज की दूरी रख करके ही बात करेंगे, 2 गज की दूरी रख करके ही खड़े रहेंगे, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे छाता उड़ते हैं ना, अगर मैंने एक छाता ओढ़ा और सामने वाले ने एक छाता ओढ़ा है तो 2 गज की दूरी अपने आप हो जाती है। तो ये बनाए रखेंगे तो मैं समझता हूँ इस संकट की घड़ी में मुझे अच्छा लगा कि अच्छा आपके यहाँ गांव के लोगों को, क्योंकि पहले तो ऐसा कहते थे कि भाई दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा ही पहुंचता है, आजकल 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे उसके बैंक के खाते में जमा हो जाते हैं। तो गांव वालों को कैसा लगता है जब पूरे पैसे मिल रहे हैं? तो गांव वाले बहुत संतुष्ट हैं सर मेरे यहाँ। क्या बोलते हैं आपके से? बोलते हैं जब से ये सरकार आई है तब से सारे लाभ सबको पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल पा रहे हैं। चलिए वर्षा जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ बताइए कुछ कह रही थी आप। सर गांव में ये चर्चा हो रही है कि इस संकट की घड़ी में कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, आप जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश का क्या होता? सर सोशल मीडिया पे ये हर जगह यही चर्चा हो रही है, हम लोग अपने बीच में भी यही चर्चा करते हैं। बस 2 गज की दूरी ये हम सबको बचाएगी, 2 गज की दूरी। खैर मुझे अच्छा लगा, गांव के वालों को संतोष है क्योंकि सरकार और जनता के बीच में जब विश्वास होता है तो कितने ही बड़े संकटों को हम पार कर लेते हैं। और इस बार जो हम लड़ाई जीत कर रहे हैं उसका मूल कारण विश्वास है, सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। खुद पर भी विश्वास है, व्यवस्थाओं पर भी विश्वास है और संकल्प है
कि हमें संकट से निकलना है। आइए पंजाब की ओर चलते हैं। पंजाब पठानकोट की ग्राम पंचायत हाड़ा की सरपंच बहन पल्लवी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको मेरी तरफ से और मेरे पूरे पंजाब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत हाड़ा से, जो कि एक बैकवर्ड एरिया है और एक सर बॉर्डर का एरिया है। तो सर जैसे कि अभी ये बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। विश्वव्यापी महामारी कोरोना से महायुद्ध के चलते कोविड 19 संक्रमण का शिकार होकर प्राण गंवाने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के अमर शहीद इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह रघुवंशी और यशवंत पाल बेहद कठिन इस लड़ाई के लिए फ्रंट पर तैनात कोरोना वॉरियर्स को कुछ यही संदेश दे गए हैं। उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल और जूनी थाना इंदौर के युवा इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह की शहादत से मध्य प्रदेश की आंखें नम है। इस घटना से मन बहुत व्यथित है। दूरी पे बैठना है अगर आप जब कटान करते हैं, और बार बार हाथ धोने हैं, उसमें भी सर उसके कुछ विशेष और भी प्रबंध किए गए हैं, जैसे कि फसलें आती हैं उनको मंडी में कैसे ले जाना है सर, ये सारे प्रबंध जो है, जैसे चार और पांच गांव की मिला के एक मंडी बनाई गई है, जहाँ पे क्या होगा, हम जो किसान है वो पहले होलोग्राम पर्ची लेंगे, उसके बाद ही वो मंडी में जा सकते हैं। अगर उनको होलोग्राम पर्ची उनके पास होगी तभी वो मंडी में जाएंगे। और उनको ये भी हमने बताया है कि आपको जो है ट्रैक्टर पे सिर्फ जो है 50 क्विंटल कनक जो एक बार मंडी में आप ले जा सकते हैं, और ट्रैक्टर पे सिर्फ एक ड्राइवर और उनके साथ एक सहयोगी होगा, वो भी आपस में जो है सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखे। पल्लवी जी, आपने इतना बढ़िया ढंग से बता दिया, मैं सबसे पहले तो आपको अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतने बढ़िया तरीके से इन सारे संकट में समय अपने गांव को संभाला है, और गांव वाले आपकी बात मानते हैं, आपकी बात सही है। किसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है, और निस्वार्थ भावना से पूरे देश का पेट पालता है। ये किसान और पशुपालक साथी ही हैं जिन्होंने पूरे लॉकडाउन के कारण देश को जरूरी अनाज, सब्जी, दूध, फल, इसकी कमी नहीं होने दी है। मैं उनके इस हौसले की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। हाँ, तारीफ के साथ ही मेरी आप सभी से एक प्रार्थना भी है, क्या पंजाब हो, हरियाणा हो, देश का किसान, और पल्लवी जी मुझे लगता है कि पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, जैसे ड्रग्स के खिलाफ मैंने देखा है कि पठानकोट और गुरदासपुर की बहनें, जब मैं वहां संगठन का काम करता था तो मेरा कई गांव की माताओं बहनों से संपर्क रहता था, वो हमेशा मुझे कहती थी कि हमारे नौजवानों को ये ड्रग्स वगैरह से बचाइए, बहुत चिंता करते थे। जैसे वही काम है, वैसे हमारी इस धरती माता को बचाना हमारे किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे देश के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा,
कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाया कि भाई अब गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया, तो अब 5 थैली आएगा। पहले 100 थैली आता था, तो 50 थैली आएगा। हम आधा कर देंगे। आप देखिए, पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्लवी जैसे प्रधान से बात हो रही है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये काम करोगी। और मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। नमस्कार, महाराष्ट्र के पुणे की मेदन करवाड़ी ग्राम पंचायत की प्रधान बहन प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए प्रियंका जी। हमने कोरोना का जब से अपने 25 तारीख को लॉकडाउन किया, उसके बाद 26 तारीख को ही हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड की से पूरा गांव सैनिटाइज किया। उसके बाद हमने सैनिटाइजर टनल दो जगहों पे, जहाँ पे ज्यादा आवाजाही लोगों की रहती है, वहाँ पे सैनिटाइजर टनल बिछाए। उसके बाद हमने जो सैनिटाइजर हर कोई महिला और हर कोई घर में नहीं जा सकता, तो इसीलिए हमने साबुन हर घर में साबुन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके बाद जो हमारे गांव के अंदर जो महिलाओं ने स्किल इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया था सिलाई का, उन महिलाओं को हमने मास्क बनाने का काम दिया। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है 5, उनको हमने इस प्रकार के मास्क बनाने का काम दिया, जो उन्होंने 5,000 मास्क इस टाइप के बनाए हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हम पूरे गांव में कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे एरिया आता है जो सेमी अर्बन एरिया है, जहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा है, चाकन के पास है, तो हमने जो रात को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को लोग आते हैं, इसके लिए हमने एक टाइम निर्धारित किया। उसके बीच में हमने स्ट्रीट लाइट बंद रखी, तो उसका हमें बहुत फायदा हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए वो एक असरदार उपाय साबित हुआ। इसके साथ ही हमने जो दुकान है उसके सामने एक सर्कल की मार्किंग की, जिसकी वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग रखने में कामयाब हुए। इसके साथ ही जो किराना राशन की दुकान है और सब्जी के हाथ है, उसके लिए हमने ऑल्टरनेट डेज पे बिक्री का चालू किया कि 3 दिन राशन की दुकान खुले रहेंगे और 3 दिन सब्जी के दुकान खुले रहेंगे, जिससे लोगों की आवाजाही सीमित करने में हमें बहुत ज्यादा मदद हुई। इसके बाद ही जो हाउसिंग सोसाइटीज है और जो किसान है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन करके एपीएमसी के द्वारा हमने वॉलंटियर लगा के वो सब्जी, वो अनाज लोगों के हाउसिंग सोसाइटीज में पहुंचाने का काम किया, उसकी बिक्री की। इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। इसके साथ ही हमने महिला सुरक्षा के लिए और महिला के स्वास्थ्य के लिए हमारे गांव में 7,000 सैनिटरी नैपकिन का आशा वर्कर के थ्रू सैनिटरी नैपकिन पूरे गांव में बांटे। हर एक महिला को, हर एक युवती को, किशोर वयस्क युवती को हमने सैनिटरी नैपकिन दिए। इसके साथ ही हमने होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी भी स्टार्ट की कि अगर कुछ हमारे यहाँ पे संदिग्ध पाए जाते हैं तो होम क्वारंटाइन के लिए हमें जो भी सुविधा हम दे सकते हैं, उसके लिए हमने होम क्वारंटाइन की सुविधा भी चालू की। इससे हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ और दूसरी बार हमने फिर से गांव सैनिटाइज किया। अभी जो लॉकडाउन बढ़ा था, उसके साथ ही हमने फिर से गांव सैनिटाइज किया। तो इन सब उपायों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने में हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। प्रियंका जी, अब तो गाँव वाले थक गए होंगे, लोगों को गुस्सा आता होगा, ये मोदी जी कैसे हैं, इतने दिनों से बंद करके रखा हुआ। लोगों को घर में रहने की आदत नहीं है, इसलिए गांव वाले थक गए हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो लोग समझते हैं। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है प्रियंका जी? 2011 के हिसाब से मेरी गाँव की लोक संख्या है 12,576, लेकिन इंडस्ट्रियल बेस होने के कारण यहाँ पे पर प्रांत और राज्यों से लगभग 50,000 लोग रहने को है, यहाँ पे रहते हैं। तो आपका तो एक प्रकार से बड़ा शहर हो गया है। वो शहर, हाँ शहर कहीं भी हो गया है सर। पुणे से कितना दूर है आपका? सर मैं
पुणे से सर एक 30 किलोमीटर की दूरी पर है, चाकर में, चाकर के पास ही है, एक 2 किलोमीटर में इंडस्ट्रियल बेल्ट में। देखिए एक तो आपके यहाँ इस पुणे बेल्ट में और महाराष्ट्र में भी एफपीओ का अच्छा काम हुआ है, और मैं समझता हूँ कि एफपीओ के काम को फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का काम, जिसको भारत सरकार काफी मदद कर रही है, ये जितना बल मिलेगा आपके गांव के किसानों को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। उसी प्रकार से ई नाम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने में हमारे किसान को अच्छा मार्केट मिल सकता है, और किसान को अब भरोसा होने लगा है। और आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है, तो मैं पक्का मानता हूं कि इस आधुनिक व्यवस्थाओं को आप अपने गांव में ला सकते हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, मैं चाहता हूं कि जेम पोर्टल पर आपके गांव में जो महिला बचत गट है और छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो चीजें बनाती हैं वो सीधी भारत सरकार को बेच सकती है। कोई टेंडर वेंडर का चक्कर नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा वो जेम पोर्टल पर करे, तो आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है तो एक अच्छी टोली बना करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके गांव की बहनों को वो जो उत्पादन करते हैं उनको मार्केट मिले, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हाँ कुछ कह रही थी प्रियंका जी आप। इनाम जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है और किसानों के लिए हमने, तो ग्राम पंचायत के ऑपरेटर है वो उनके हेल्प के लिए रहते हैं और उनके कोऑर्डिनेशन द्वारा हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सर आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी, इस तरह आप पूरे देश पूरे दुनिया को राह दिखा रहे हैं कि कोरोना के मामले कोरोना का संकट का कैसे सामना किया जाए, तो मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगी। जरूर बताइए। कोशिश जारी है और हिम्मत बरकरार है, सिर पर है इस दुनिया पर छाने का फितूर, मुझे किस्मत पर भरोसा नहीं, मुझे मेहनत पर भरोसा है, एक ना एक दिन ये हालात बदलेंगे जरूर, वाह चलिए आपके शब्दों में विश्वास है, वो देश की भावना का प्रतिबिंब है, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आइए हम पूरब की तरफ चलते हैं, आसाम की तरफ चलते हैं, असम के कचर जिले के ग्राम पंचायत छोटा दूध पाटिल, यहाँ के प्रधान श्रीमान रंजीत सरकार जी हमारे साथ है। रंजीत जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले मैं लॉकडाउन घोषित करने के आपके असम राज्य से सबके साथ में आपका पक्ष मेरा, लेकिन इस बार थोड़े आसाम के लोग नाराज हो गए होंगे क्योंकि बिहू इतना बढ़िया आनंद उत्सव और मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, हमारा बिहू बिगाड़ दिया। सर लॉकडाउन आप जो काम किया है सर वो अच्छा काम किया है, देश को रक्षा करने के लिए काम किया है सर, लेकिन ये मेरा जो राज्य का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और हिमंत बिश्व शर्मा जी ने मेरा भलाई करने के लिए हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में आया है सर, मेरा विधायक किशोरनाथ जी मेरा ब्लॉक में आया और गांव में आया, तो हमारा जो गांव पंचायत बॉडी है ना सर, बॉडी का जितना 10 सदस्य और अंगनवाड़ी सदस्य आशा कर्मी लेके हम लोग सब मिलके एक बैठक किया है, और बैठक में डिपार्टमेंट को सामने एक डिपार्टमेंट मॉडल हॉस्पिटल है सर, हॉस्पिटल के साथ जो डॉक्टर है ना उसके साथ बातचीत किया, हमारे जीवन में जितना बुरे आदमी और बच्चा लोग सहारा करना पड़ेगा, और फिर हर घर जाके सबको बुलाया, लॉकडाउन मानना पड़ेगा और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, सामान से 10-15 मिनट बाद को हाथ धोना पड़ेगा और सब स्वच्छता रहना पड़ेगा। तो इसके लिए सर आपका पहले धन्यवाद लॉकडाउन का, आपका जो देश के लिए भलाई के लिए हम जो काम किया है सर
वो आपको असम तरफ से सर आपको शुक्रिया सर। तो हमारे जो एमएलए सर ब्लड के लिए बहुत काम किया है और गांव में जाकर रिलीफ दिया है सर। हमारा तनख्वाह 4 महीने का तनख्वाह 86,000 रुपया मिल के मेरा गांव का और गर्मी को रिलीफ दे दिया सर। हमारा वीडियो जो वीडियो है ना हमारा ब्लॉक में वो मुझे को मदद किया, मेरा सचिव और जो सेक्रेटरी वो मुझे को मदद किया और गांव में कोई आदमी नाराज नहीं है सर। फैमिली आइडेंटिटी कार्ड जो दर्शन के साथ जो 5 kg चावल मिला है सर रिलीफ में और मेडिसिन मिला है, मेडिसिन मेरा मॉडल हॉस्पिटल का हॉस्पिटल में मिला है सर। वो हॉस्पिटल में जितना बुरा लोग आके जो पूर्ण सहकार सर जितना ये सुंदर स्वच्छता से रहना पड़ेगा इसलिए सर जी आपने बहुत उत्तम तरीके से बात बताई, मैं आपको बधाई देता हूँ और सभी आसाम वासियों को भी मेरी तरफ से बधाई, बहुत धन्यवाद आपका। साथियों आपके साथ ये जो सार्थक बातचीत से न सिर्फ मुझे लेकिन देश के जो भी नागरिक आज आपको सुन रहे हैं सभी देशवासियों को संतोष हुआ होगा, उनके अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ होगा कि दूर सुदूर गांव में हमारे लोगों ने कैसे देश को संभाला हुआ है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं। और शायद समय ज्यादा होता और मैं सबको सुन पाता कितना आनंद आता, कितनी नई नई चीजें मिलती, लेकिन मैं जब लाखों की तादाद में पंच सरपंच मेरे सामने हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं, भले ही मैं आप सबको सुन नहीं पाया हूं लेकिन जिन कुछ अपने प्रधानों ने अपने अनुभव बताए उसमें एक प्रकार से आपकी भावनाएं प्रकट हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोई ऐसे विशेष प्रयास किए हो, प्रयोग किए हो, अपने गांव को बचाया हो, अगर मुझे लिख करके भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी इस मुश्किल परिस्थिति में भी गांवों में जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने में नेतृत्व कर रहे हैं, जिम्मेवारी निभा रहे हैं। हम सब ने सुना है, बचपन से सुनते आए हैं, महात्मा गांधी एक बात बार बार करते थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मेरे स्वराज की कल्पना का आधार ग्राम स्वराज ही है, इसलिए ग्राम पंचायतें हमारे लोकतंत्र की एकजुट शक्ति का केंद्र है, हमारी लोकतांत्रिक एकजुटता का यही सबसे बड़ा ताकतवर केंद्र है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है संगमूलम महाबलम, अर्थात बड़ी से बड़ी शक्ति का केंद्र संगठन या एकजुटता में ही होता है। और इसलिए आज की परिस्थिति में देश को आगे ले जाने की शुरुआत, देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत गांव की सामूहिक शक्ति से ही होगी, आप सबकी एकजुटता से ही संभव होगी। इन प्रयासों के बीच हमें ये याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है, इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। गांव में सैनिटाइजेशन अभियान हो,
शहरों से आने वाले लोगों के लिए इतने कम समय में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम हो, हर एक व्यक्ति के खान पान और जरूरत की चिंता हो, या फिर आम लोगों को जागरूक करने का काम हो, ये काम हमें निरंतर बिना रुके बिना थके करते ही रहना है। और जैसे इकबाल जी ने अभी बताया, जम्मू कश्मीर के अपने साथी ने, रिस्पेक्ट भी करो और सस्पेक्ट भी करो। मैं समझता हूं गांव में बुजुर्ग, दिव्यांग या फिर बीमार लोगों की सबसे पहली पहुंच, उसको कुछ भी कठिनाई होगी तो पहले आपके पास आएगा। इसलिए सबसे पहला समाधान भी गांव के पंच और गांव के प्रधान के पास ही होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, दो गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, दो गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं है बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। हमें बचाव और स्वच्छता पर ज्यादा बल इसलिए भी देना है क्योंकि गर्मी और बरसात के मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और हमारे बारिश के दिन आने की शुरुआत होने वाली है। इस बार कोरोना बीमारी ने इस खतरे के लिए और अधिक चिंता का कारण बना दिया है, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहते हुए अपने गांव को बचाना है। साथियों, हमारा अतीत का अनुभव बताता है कि बीमारियां और उनके इलाज के बारे में गलत जानकारियों की वजह से हमें बीमारियों को रोकने में काफी दिक्कत आती है, काफी समय चला जाता है। इस बार हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें हर प्रकार की गलतफहमी से लोगों को बाहर निकालना है। हर परिवार तक सही जानकारी, चाहे वो बचाव को लेकर हो या फिर इसके इलाज के लिए, ये जानकारी पहुंचानी चाहिए। इसके लिए आप छोटी छोटी टोलियां बनाकर, और मैंने सुना कई सरपंचों ने कहा उन्होंने गांव में छोटे 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 टोलियां बना दी, अलग अलग काम के लिए लोगों को संगठित कर दिया है, टोलियां बनाकर जागरूकता के अभियान को तेज कर सकते हैं। आशा है, एएनएम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ हमारे यहां सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उसकी बहनें हैं, युवा मंडल है, पूर्व सैनिक हैं, दूसरे संगठनों से भी कई लोग आए हैं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये संगठन भी हैं। हर किसी की मदद लेनी चाहिए, हर किसी को जोड़ना चाहिए। साथियों, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, खान पान को लेकर भी कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इससे भी तमाम अफवाहें उड़ती हैं, जिससे हमें सतर्क रहना है। हम जो भी खाएं वो खूब धोकर और खूब पकाकर खाएं, इस बात को हमें गांव-गांव में बताना है। और हां, गांव में कई अच्छी परंपराएं भी होती हैं जिनको हमें प्रोत्साहित करना है। जैसे हमारे यहां आयुर्वेदिक काढ़ा पीने की परंपरा है, अनेक प्रकार के मसालों का उपयोग हम करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नियमित रूप से योग प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ ही होगा। ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देता है, सक्षम बना देता है।
आयुष मंत्रालय की तरफ से इससे जुड़ी कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है और मैं चाहूंगा सारे प्रधान आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं, उसमें सारी चीजें हैं, अपने गांव में उसका उपयोग करें। एक और बात जिस पर आप सभी को बहुत ध्यान देना है वो है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। मैंने अभी एक टीवी के अंदर एक किसी कलाकार का देखा था, उसने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को बॉडीगार्ड कहा है। ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। मैं देश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने गांव के प्रत्येक सदस्य के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाएं। ये एक प्रकार से हमारी सुरक्षा का सेतु है। साथियों, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों और बहनों का स्वास्थ्य हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक रहा है। आपकी एक एक आवश्यकता को समझते हुए सरकार लगातार काम कर रही है। पहले टीकाकरण को लेकर इतनी दिक्कतें होती थी, हमारी सरकार ने न सिर्फ टीकों की संख्या बढ़ाई बल्कि दूर दराज वाले क्षेत्रों में भी टीकाकरण अभियान को लेकर के गए। पहले गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों में कुपोषण की बहुत ज्यादा समस्या थी। हमने पीएम मातृवंदना योजना के माध्यम से सीधे महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए ताकि कुपोषण के खिलाफ लड़ने में उसको मदद मिल जाए। पहले शौचालयों की क्या स्थिति थी ये भी आपको पता है, शौचालय न होने से कितनी बीमारियां फैलती थी ये भी आपको पता है। हम बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं कि गांव के गरीब से गरीब को उत्तम स्वास्थ्य सेवा मिले, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना भी गांव के गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर उभरी है। इसके तहत अब तक करीब करीब 1 करोड़ गरीब मरीजों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल चुका है। इस योजना ने ग्रामीण इलाकों में जहां अस्पतालों की कमी है वहां अस्पतालों के निर्माण में भी मदद की है। सरकार द्वारा भी देश भर के गांवों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इन सेंटर्स में अनेक गंभीर बीमारियों के टेस्ट की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पहले से किया जा रहे इन प्रयासों ने हमारे गांवों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार किया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी सामूहिक कोशिशों से, अपनी एकजुटता से, अपनी संकल्प शक्ति से कोरोना को जरूर परास्त करेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी साथियों को पंचायत राज की इस महत्वपूर्ण पंचायत राज दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आपके, आपके परिवारजनों के, आपके गांव के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और फिर से एक बार आपने समय निकाला, आपके अपनी बहुत सारी बातें मुझे बताई, बहुत कुछ नई जानकारियां मिली, आपके आत्मविश्वास को मैंने अनुभव किया। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
नमस्कार।